हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे यूनिट टू में चल रहा था कि कैसे हम कर्व की सेटिंग आउट करें। सेटिंग आउट के टू मेथड्स थे, लीनियर और एंगुलर मेथड। ठीक है, स्लाइड दिखाई दे रही होगी आपको। लीनियर में हम टेप की हेल्प से लीनियर मेजरमेंट करके सेटिंग आउट करते थे। एंगुलर में क्या होगा, हम एंगल मेज़र करके, एंगल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके, जिससे हम एंगल मेज़र कर सकें वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके सेटिंग आउट करेंगे। अब एंगुलर मेथड में भी आपके तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है रैंकाइन मेथड, सेकंड होता है टू थियोडोलाइट मेथड, थ्री होता है टैकोमेट्रिक। थियोडोलाइट तो आपको पता होगा, ये दिखा देता हूँ मैं इमेज इसकी। थियोडोलाइट ये होता है, पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, ये आपका एंगल मेज़र करने के काम आता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल। तो इसकी हेल्प से आप एंगुलर सेटिंग आउट कर सकते हो। तो तीन मेथड हैं, जो फर्स्ट मेथड रैंकाइन मेथड, उसको वन थियोडोलाइट मेथड भी कहते हैं, एक ही थियोडोलाइट यूज़ होता है उसमें। सेकंड में दो थियोडोलाइट और थर्ड में थियोडोलाइट की जगह पे टैचोमेट्री इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। तो तीन मेथड हैं आपके। रैंकाइन मेथड में ये क्या कह रहा है, ए डिफ्लेक्शन एंगल टू एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज द एंगल एट पी सी। पी सी का मतलब होता है पॉइंट ऑफ कर्व बिटवीन द बैक टेंजेंट एंड द कॉर्ड फ्रॉम पी सी टू दैट। सिंपल लैंग्वेज में समझना, जो टेंजेंट है टी वन टेंजेंट और जो सब कॉर्ड है उनके बीच में जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को हम थियोडोलाइट की हेल्प से मेजर करेंगे। ठीक है, कैसे करना है वो स्टेप समझ लेते हैं। ये है आपकी कर्व, ये है टी वन और ये है पहली सब कोड। ठीक है, रफली इस सब कोड को मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये ऐसे बनेगा। हमें ये एंगल मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट। क्या होता है, डेल्टा वन। ठीक है, वहां पे क्या था, वहां पे हम कैसे करते थे, वहां लीनियर में हम क्या करते थे, ऑफसेट मारते थे और डेल्टा या एंगल को हम लीनियर डायमेंशन की फॉर्म में लिखते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या, हम डायरेक्टली एंगल मेजर कर सकते हैं थियोडोलाइट की हेल्प से। ये आपका थियोडोलाइट है। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि इसको एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको इस तरह से स्टेप लिखने होंगे कैसे हमें करना है ये। ठीक है, यहाँ पे स्टेप लिखे हुए हैं लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से बता दूँ, थोड़ा सिंपल तरीके से। यही जो स्टेप मैं बता रहा हूँ यही आपको लिखने, आपको करना क्या होगा, ये जो आपको थियोडोलाइट है ये ट्राइपॉड के ऊपर लगेगा, इसकी सेंटरिंग लेबलिंग होगी, उसको कहाँ पे रखना है, टी वन पे। ये टी वन है, यहाँ पे रखना है आपको इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यहाँ पे रख दिया। सबसे पहले आप सेंटरिंग करोगे, सेंटरिंग मतलब इस टी वन के ऊपर आपका ट्राइपॉड का सेंटर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने ट्राइपॉड के ऊपर थियोडोलाइट को टाइट कर दिया। यहाँ से इसकी जो बेस प्लेट के यहाँ पे स्क्रू लगा होता है, वो थियोडोलाइट से अटैच हो गया। उसके बाद आपने थियोडोलाइट को लेवलिंग किया। लेवलिंग कैसे करते हैं, यहाँ पर जो बबल दिखाई दे रहा है आपको, ये बबल ट्यूब, इसका बबल सेंटर में होना चाहिए। मैं बता चुका हूँ कैसे करते हैं बबल, दो स्क्रू को इन या आउट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं बबल को पहले रखते हुए, यानी कि इस तरीके से। ये जो बबल है आपका, इसको हम रोटेट करके यहाँ पे रखेंगे इसके पैरेलल। यहाँ बबल है और ये दो स्क्रू हैं। ठीक है, इन दोनों स्क्रू को इन या आउट रोटेट करेंगे तो बबल की मूवमेंट होगी।
तो इनको इन या आउट करके देखेंगे आपको जिस डायरेक्शन बबल को मूव कराना है। और बबल जब सेंटर में आ जाएगा फिर इस ट्राईपॉड उसको इस इंस्ट्रूमेंट को आप रोटेट करोगे और ये जो है आपका क्या कहते हैं बबल, इसको आपको यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री पे रखना है, यानी कि बबल जैसे अब है ऐसे ऐसे आ जाएगा। अब जो थर्ड स्क्रू है आप उसको इन या आउट करके देखोगे, बबल थोड़ा सा हट जाएगा अपनी जगह से, फिर उसको थर्ड स्क्रू से आप सेंटर में ला लोगे। इस तरह से हो जाती है आपकी इसकी लेवलिंग। ठीक है, अब आपका लेवलिंग हो गया। जैसे कि मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, इसके अंदर जो होता है वर्नियर स्केल होता है। वर्नियर स्केल में आपका क्या होता है, दो स्केल होते हैं, मेन स्केल और एक होता है आपका वर्नियर स्केल। ठीक है, जो मूव करता है, ये जो आपके व्हाइट कलर की जो प्लेट देख रहे हो इसमें आपका मेन स्केल है, और ये जो आपका ग्रीन कलर की है इसमें आपका वर्नियर स्केल है। यहाँ से आप देखते हो, एंगल मेजरमेंट करते हो, हॉरिजॉन्टल एंगल। ठीक है, तो इस पे भी कुछ रीडिंग होगी आपके मेन स्केल में और आपका टॉप के स्केल में, वर्नियर स्केल में भी कुछ रीडिंग होगी। तो हमारा क्या होता है स्टेप, कि जब आपने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखा है, सबसे पहले आप दोनों रीडिंग 0-0 होनी चाहिए आपकी। यहाँ पर जब आप देखोगे यहाँ पे आईपीस से, तो यहाँ पे दोनों स्केल दिखाई देंगे, तो दोनों के 0-0 कॉन्साइड होनी चाहिए। अब कॉन्साइड कैसे होंगे, जो मैं बोल रहा हूँ ना वही इसके स्टेप लिखने को आते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके दो स्क्रू दिखाई दे रहे हैं, एक स्क्रू ये रहा आपका जहाँ पे मैंने टिक किया है, ठीक है, एक स्क्रू दूसरी साइड होता है, ये रहा एक स्क्रू। ठीक है, अगर मैं इस स्क्रू को टाइट कर दूं तो ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट जाम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको टाइट कर दूं, ठीक है, मैं दोनों को टाइट कर दूं तो पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट जाम हो जाएगा, वो हिलेगा नहीं। अगर मैं नीचे वाले को टाइट रखूं, ऊपर वाले को लूज रखूं, तो ये ग्रीन वाला पार्ट रोटेट करेगा, यानी वर्नियर स्केल रोटेट करेगा। और अगर मैं ऊपर वाला टाइट कर दूं, ये वाला टाइट कर दूं, तो क्या होगा, पूरा ये घूमेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ कंफ्यूजन ना हो, ये हो गया आपका लोअर स्क्रू और ये हो गया आपका अपर स्क्रू। ठीक है, अगर अपर स्क्रू टाइट, दोनों टाइट हैं, दोनों स्क्रू को टाइट कर दिया, तो क्या होगा, नो मोमेंट। ठीक है, अगर मैंने लोअर को लूज कर दिया और अपर को टाइट कर दिया, कोई आवाज ना आ रही हो, स्लाइड ना दिखा रही हो तो बता देना। लोअर को लूज कर दिया, एल से लूज, अपर को टाइट कर दिया। ठीक है, लोअर को लूज किया हुआ है और अपर को टाइट किया था, तो मूवमेंट होगी, है ना। क्या किया है मैंने, अपर को टाइट किया है, इस वाले स्क्रू को टाइट कर दिया और स्क्रू को लूज कर दिया, पर मूवमेंट तो होगी पर नो एंगल चेंज, नो एंगल। अगर जीरो है तो जीरो दिखाएगा। अगर मैं लोअर को टाइट करता हूँ, अपर को लूज करता हूँ, तो मोमेंट होगी और एंगल चेंज होगा। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पे जीरो करना है, यहाँ पे जीरो लाना है, तो मैं क्या करूँगा, कौन सी कंडीशन लूंगा, फर्स्ट वाली कंडीशन लूंगा, सेकंड वाली कंडीशन लूंगा, क्या थर्ड वाली लूंगा। मैं थर्ड वाली कंडीशन लूंगा जिसमें एंगल चेंज हो रहा है। ठीक है, मैं टाइट कर दूंगा लोअर वाला, उसको टाइट लूज कर दूंगा, एक मिनट, मैंने हाँ लोअर वाला टाइट कर दिया, अपर वाला लूज कर दिया, और मैंने रोटेट करके 0-0 कॉन्साइड करके, फिर मैं किस पे चला गया, फर्स्ट कंडीशन पे। जब 0-0 हो गया, थर्ड कंडीशन मैंने यूज की, दोनों जो आपका वर्नियर स्केल में जो दो स्केल है, मेन स्केल वन है, उन दोनों जीरो को कॉन्साइड करने के लिए मैंने कौन सी कंडीशन यूज की, थर्ड कंडीशन, जिसमें मेरे को अब लोअर को टाइट रखना है स्क्रू को और अपर को लूज रखना है। जब 0-0 कॉन्साइड हो गया तो मैंने एकदम फर्स्ट कंडीशन पे चला गया, यानी कि मैंने दोनों को टाइट कर दिया, एक तो टाइट था लोअर वाला, अपर वाले को टाइट कर दिया। अब 0-0 कॉन्साइड है और थर्ड लाइट बिल्कुल भी मूव नहीं होगा। ठीक है, और वो थर्ड लाइट कहाँ पे रखा हुआ है आपका, यहाँ पे रखा हुआ है T1 पे। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लो ये है आपका V पॉइंट और ये है आपका A पॉइंट। ठीक है, अब आपको ये एंगल मेजर करना है, तो सबसे पहले आपको V देखना है या ए देखना है, कैसे भी देख कर लीजिए, वी देखना है आपको। तो वी पे एंगल कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और ए पे जब होना चाहिए तो कुछ एंगल मेजरमेंट होना चाहिए। तो वी को मान लो थियोडोलाइट का मुंह इधर की साइड है टेलीस्कोप, अब हमें वी देखना है, तो हमें कौन सी कंडीशन लगानी होगी जिसमें एंगल चेंज ना हो लेकिन इंस्ट्रूमेंट चेंज हो, सेकेंड वाली कंडीशन, लोअर लूज अपर टाइट। इससे क्या होगा, जब हम इसको देखेंगे, वी को देखेंगे, तो 0-0 आपस में कॉन्साइड रहेंगे, एंगल चेंज नहीं होगा, और जैसे ही हमने वी को बिल्कुल देख लिया टेलीस्कोप से, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को टाइट कर देंगे।
फिर हम ये वाली कंडीशन में चले जाएंगे, कौन सी वाली, फर्स्ट में। अब क्या है हमारा, जीरो जीरो कौन साइड है, इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल फिक्स है और हम वी को देख पा रहे हैं, ठीक है। अब हमें ए को देखना है, ए को देखना है तो हम क्या करेंगे, थर्ड वाली कंडीशन पे जाएंगे, यानी कि हम अपर को लूज करेंगे। अपर को लूज करने पे जैसे इंस्ट्रूमेंट को आप रोटेट करोगे ए की तरफ ले जाओगे तो जो रीडिंग है वो चेंज होगी, क्योंकि एक तो जीरो है मेन स्केल में तो जीरो है फिक्स, और ऊपर वाला जीरो मूव हो रहा है तो एंगल बताएगा कितना रोटेट हुआ, ठीक है। तो आपने जैसी ए को देखा तो इसमें एंगल आ गया, हम एग्जाम्पल के तौर पर 30 डिग्री, वो आपने नोट कर लिया। तो इस तरीके से प्रोसीजर है एंगल मेजर करने का थियोडोलाइट से, ठीक है। ये आपका थियोडोलाइट इस तरह से दिखता है, दो जगह से आप इसमें रीडिंग देख सकते हो, ये टेलीस्कोप है, इसको भी हॉरिजॉन्टल रखना पड़ता है, समझ के। तो लोअर क्या कहते हैं स्क्रू और अपर स्क्रू का ये आपका पूरा प्रोसेस होता है कि किसको टाइट करना है किसको, ये तीन कंडीशन होती है हमारे पास, इन तीनों को फॉलो करना है, थियोडोलाइट से आप कुछ भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, क्योंकि जब हम एडजस्ट कर रहे होते हैं ना किसी फिक्स पॉइंट को, पहले पॉइंट को एडजस्ट कर रहे होते हैं तो हमारा एंगल चेंज नहीं होना चाहिए ना, पहले को तो जीरो आना चाहिए, इसलिए हम ये कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है, सेट आउट T1 T2 हमने एस्टेब्लिश कर लिए कर्व में, सेट आउट थियोडोलाइट एट T1 पे, थियोडोलाइट हमने सेट किया विद बोथ प्लेट क्लैंप, वही प्लेट कह रहा है अपर प्लेट लोअर प्लेट दोनों को क्लैंप कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, रिलीज करना है अपर स्क्रू और डेल्टा वन एंगल देख लेना है, फिर लोअर लूज को करना है, उस तरह से आपको एंगल मेजर कर लेने हैं। यहाँ पे इस डायग्राम को और समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो इसमें किया क्या है, जो आपका फर्स्ट टेंजेंट है T1 से आपका एक कलर चेंज, T1 से आपका एक सब कोड है ये रहा A पे, ठीक है। T1 से A पे एक सब कोड है, और जो टेंजेंट है और सब कोड है उनके बीच का एंगल कितना है, Δ1, ये दिया हुआ Δ1। और लास्ट क्लास में जो हम बता रहे थे लीनियर में, आपको पता है सेंटर पे एंगल कितना बनेगा, उसका डबल, ठीक है। उसके बाद सेकंड कोड है आपकी, सेकंड कोड भी यहीं से T1 से ली गई है, और सेकंड कोड और जो टेंजेंट है उसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, Δ2, ठीक है। लेकिन जो सेंटर में एंगल बनने वाली कंडीशन थी वो थी आपकी टेंजेंट टू कोड टू कोड के बीच में जो एंगल बन रहा है, जो कोड एक्सटेंड की थी याद हो तो, क्योंकि फर्स्ट वाले पॉइंट में वो उसी के इक्वल आ रहा है, फर्स्ट वाले पॉइंट में वो उसी के इक्वल आ रहा है, लेकिन सेकंड वाले पॉइंट में वो अलग हो रहा है। इसको भी मैं डायग्राम से समझा देता हूँ, ये आपकी है कर्व और ये है आपका टेंजेंट T1, ठीक है। और ये है आपका ग्रीन वाला फर्स्ट सब कोड फ्रॉम T1, ठीक है। अब ये जो T1 और सब पहली जो सब कोड है जो A पे आ रही है आपके मैच, इनके बीच का जो एंगल है, इनके बीच का जो एंगल है ये Δ1 भी होगा, और इसी को हम θ1 भी कह देंगे ये। और यहां से पॉइंट अगर सेंटर पे हम ले जाएंगे तो ये किसके इक्वल होगा, डबल के, इस एंगल के, 2θ1, ठीक है। अब सेकंड कोड की बात कर रहे हैं, सेकंड कोड भी आपको इस मेथड में यहीं से लेनी है, T1 से ये ले लिए सेकंड कोड, ठीक है। अब सेकंड कोड का फर्स्ट टेंजेंट के बीच का जो आपका एंगल होगा, ये एंगल जो होगा ये क्या होगा, Δ2, बट जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो ये वाला एंगल नहीं बनेगा, वो एंगल बनता है आपका सब कोड टू सब कोड के बीच में, यानी इन सब कोड को अगर मैं एक्सटेंड करूँ उनके बीच में जो एंगल है ये है आपका θ2, ये समझना है थोड़ा सा, ठीक है। फर्स्ट केस में दोनों इक्वल होंगे, इसी तरह से ये आगे चलता जाएगा, ठीक है। इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन और है वो और देख लो, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, यहीं पे मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ट्रायंगल की, इसको हम नाम दे देते हैं T1 O A,
इस ट्रायंगल की बात करूं अगर मैं, तो इसमें आर्क की लेंथ यानी C1, C1 ही तो बोलते थे हम सब कोड को, C1 इज इक्वल टू क्या होता था, आर, ये रेडियस ऑफ द कर्व है आर, और सेंटर एंगल यानी कि 2 डेल्टा 1, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा वन इज इक्वल टू C1/2R, ये याद था पिछली बार भी 2R, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं डेल्टा वन, क्योंकि ये दोनों थीटा वन और डेल्टा वन इक्वल है ना फर्स्ट उसमें केस में, तो ये भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकंड वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं, ये बी पॉइंट है, ए ओ बी ट्रायंगल, ए ओ बी, इसमें आपका C2 है आपका सब कोड, ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं आपका आर है रेडियस, और आपका इसमें क्या है ये डेल्टा 2। ठीक है, और इसमें भी अगर हम इसको निकालें डेल्टा 2 इज इक्वल टू 2 होगा यहाँ पे, सॉरी C2/2R, ठीक है, और डेल्टा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा 2 को कुछ लिख सकते हैं हम यहाँ पे डेल्टा के फॉर्म में लिख सकते हैं थीटा 2 को, वो कैसे लिख सकते हैं वो बाद में बात करेंगे, बस इसमें एक चीज का और आप ध्यान रखना कि इसमें जो आपका ये क्या कहते हैं आपका एंगल की वैल्यू जो लेनी है आपको मिनट में लेनी है, ठीक है, क्योंकि आप बुक में भी एक बार पढ़ोगे कहीं पर देखोगे न्यूमेरिकल तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो बुक्स में जो ये डेल्टा की वैल्यू ली है वो मिनट्स में ली गई है, तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई किया गया है, जैसे कि आपका है θ1 इजकल टू क्या है आपका C1/2R, ये है, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि अभी रेडियन में है, 180/π × 60, तो इसका एक कॉन्स्टेंट वैल्यू निकल के आती है 1718.9 C2/R, ये निकल के आएगा 1718.9 सभी में लग जाएगा, अब C2/R, C3/R, C4/R, डेल्टा थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री थीटा फोर थीटा फाइव, ऐसे आपके एंगल निकल जाएंगे, और फर्स्ट एंगल जो होगा वो डेल्टा वन के इक्वल होगा, तो कोई सिंपल कैलकुलेशन है, यही आपका C1/2R पहले निकल के आया था, इस बार हमने इसको C1/2R को रेडियन की जगह पे हमने ले लिया है मिनट्स में, ठीक है। अब इसको हमें डेल्टा की फॉर्म में कैसे लाएं, इसको डेल्टा की फॉर्म में, डेल्टा अगर हमें निकालना हो तो डेल्टा वन तो आपको इजी से निकाल सकते हो, डेल्टा वन क्या है आपका C1, या इसको हम लिख सकते हैं 1718.9 C1/R, ये तो डेल्टा वन तो हमें पता है, डेल्टा टू क्या होगा, डेल्टा टू अगर आप डायग्राम में देखोगे डेल्टा टू ये है, ये किसके बराबर है, थीटा वन, यहाँ पे थीटा टू प्लस थीटा वन, ये किसके बराबर है, थीटा वन प्लस थीटा टू, ठीक है, थीटा वन तो हमें पता है क्या है, थीटा वन क्या है हमारे पास, वहां से हम निकाल लेंगे थीटा वन है 1718.9 C1/R, और ये क्या है हमारे पास थीटा टू क्या है 1718/C2R, इस तरह से हम निकाल सकते हैं वैल्यू, है ना, तो ये जो डेल्टा टू है हमारा ये निकल जाएगा हमारा डेल्टा वन प्लस थीटा टू, ये हो गया आपका डेल्टा टू, ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गई डेल्टा टू की। अब डेल्टा थ्री की बात करते हैं, डेल्टा थ्री इज इक्वल टू थीटा टू प्लस थीटा थ्री, ठीक है, डेल्टा टू क्या है हमारे पास, डेल्टा टू भी निकल जाएगा, डेल्टा थ्री भी निकल जाएगा हमारे पास, डेल्टा टू यहाँ से आप निकाल सकते हो, या आपको उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखना हो तो ये इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि डेल्टा थ्री इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री,
या लिख सकते हैं डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन ये बनती आ रही है, इस इक्वेशन से हमें मेन क्या निकालना है, डेल्टा एन निकालना है। एन कैसे निकालेंगे, तो अब ये किसी को बताना होगा एन कैसे निकालेंगे। मैं सारी इक्वेशन थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ और फिर आपको बताना है कि एन की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एन की वैल्यू। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर, थीटा वन इज इक्वल टू 1718.9 सी वन बाय आर। इसी तरह सेम एज थीटा टू थीटा थ्री थीटा, थीटा एन क्या होगा आपका 1718/9 सी एन बाय आर। सी क्या है हमारा, कोड की लेंथ, सब कोड की लेंथ। ठीक है, आर है रेडियस ऑफ द कर्व। डेल्टा वन क्या है हमारा, डेल्टा वन वही है जो हमारा थीटा वन है। ठीक है, 1718.9 सी वन बाय आर, या इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली इस तरीके से, डेल्टा थीटा वन, डेल्टा वन इज इक्वल टू थीटा वन, थीटा की फॉर्म में ले लो। ठीक है, अब डेल्टा टू क्या आ रहा है हमारे पास, डेल्टा टू आ रहा है हमारे पास डेल्टा वन प्लस थीटा टू। डेल्टा थ्री क्या आ रहा है हमारे पास, हाँ सर क्लास चल रही है, जरा अभी करता हूँ कॉल, लेक्चर में होते हैं सर। हाँ सर, हाँ लेक्चर में हूँ सर, क्लास में। ठीक है, डेल्टा थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा टू प्लस थीटा थ्री। अब इसमें हमें निकालना है डेल्टा एन, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना कैसे निकाला। अगर इसको ओपन करोगे तो डेल्टा टू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ इसकी वैल्यू क्या है आपकी, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू थीटा वन है, यानी डेल्टा टू बराबर क्या हो सकता है, थीटा वन प्लस थीटा टू। तो इसी तरह डेल्टा थ्री में क्या था, थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री, तो थीटा वन प्लस टू को हमने डेल्टा टू लिख दिया, इस तरह से इक्वेशन बनती आ रही है। तो डेल्टा एन की वैल्यू आपको बतानी है, कोई मेरे को बताए डेल्टा एन की वैल्यू। ज्ञान शंकर आवाज आ रही है, हर्ष नमन जिसको मेरी आवाज आ रही है जरा रिप्लाई करे। सर हाँ कौन, यस सर, आवाज ही नहीं आ रही किसी को, कोई बोल ही नहीं रहा है, तो लॉगिन करके चले गए हैं। प्रखर बताओ, बताओ प्रखर, ये डेल्टा एन बराबर क्या होगा, डेल्टा एन डेल्टा एन प्लस थीटा एन एन। ठीक है, यही इक्वेशन होगी, सही है। ठीक है, एक चीज मैंने नोटिस की है कि फ्राइडे का जो लेक्चर होता है 1 बजे, उसमें स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, या तो खाना खा के सो जाते हैं, है ना। जितने फ्राइडे हैं सब में लगभग 26-28 स्टूडेंट होते हैं आउट ऑफ 35। ठीक है चलो आगे चलते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं था, देखो एंगुलर मेथड में कर्व को सेट करने के लिए पहला मेथड है फर्स्ट वन थियोडोलाइट, उसको रैंकिन भी मेथड बोलते हैं, रैंकाइन मेथड, और फर्स्ट थियोडोलाइट ही बोलते हैं। सेम वही वाला मेथड है, इसमें केवल एंगल में थियोडोलाइट की हेल्प से
मेजर कर लिए। अगर ये आपका थ्योरी में पूछा जाता है, मैक्सिमम मार्क्स में, ज्यादा मार्क्स में पूछा जाता है, तो आपको डायग्राम बना के वो पॉइंट लिखने होंगे, जो ये पॉइंट है, थ्योरी लाइट को वहां पे रखा, क्लैंप किया, 0-0 कौन साइड किया, एक नोस को एंगल को नोटिस किया 0-0 पे, फिर क्लैंप को स्क्रू को लूज किया, फिर दूसरे को देखा और एंगल हमने नोटिस कर लिया, ठीक है, ये आपको लिखना होगा। उसके बाद जो छोटी सी डेरिवेशन है कि हमने पहला ट्रायंगल लिया तो उसमें सिंपल सा है, आर्क बराबर आर्क क्या है, C1 है, क्योंकि स्मॉल एंगल है बहुत, ये जो सब कोड का होता है तो आर्क की लेंथ हमारे कोड की लेंथ के बराबर मान ली जाती है, तो जो C1 है इक्वल टू हो जाता है आर इंटू जो बीच में एंगल बन रहा है, वहां से एंगल निकाल लिया, इस तरह हर एंगल θ1, θ2, θ3 हर ट्रायंगल का आ गया। उसके बाद जो डेल्टा एंगल है जो हम थर्ड लाइट से मेजर कर रहे हैं, ठीक है, वो हम निकाल लेंगे। फायदा क्या होगा इससे, फायदा ये होगा कि इसमें देखो कि θ1 तो अननोन है हमारे पास, Δ1 हमारे पास अननोन है, तो अगर Δ1 नोन है क्योंकि थर्ड लाइट से देखा जा रहा है तो θ1 निकल जाएगा, और θ1 निकल जाएगा, एंगल निकल जाएंगे, तो हम सारी चीजें हम पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड पे आते हैं। सेकंड मेथड है टू थियोडोलाइट मेथड, थोड़ा और एक्यूरेट हो जाता है जहाँ पे, अच्छा जो एंगुलर मेथड है यूज वहां करते हैं जब बहुत बड़ा एरिया है, बहुत किलोमीटर्स में एरिया है, वहां का हमें सेटिंग आउट करना कर्व। और इसमें भी जो सेकंड वाला मेथड है टू थियोडोलाइट मेथड, वो तब यूज करते हैं जब और एक्यूरेसी चाहिए होती है और जो ग्राउंड है हमारा रफ है, इरेगुलर है, तब हम दो थियोडोलाइट यूज कर लेते हैं। अब इसमें डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये वाला जो प्रोसीजर है ये वही है जो फर्स्ट थियोडोलाइट से किया था, ठीक है, लेकिन अगर इसी पॉइंट को, इस पॉइंट का ही एंगल हम दूसरे थियोडोलाइट को T2 पे एस्टेब्लिश करें, वही सारा प्रोसेस है लूज और टाइट का, क्लैंप को, स्क्रू को, और हम इसी एंगल को देखें तो यहाँ पर हमें वही एंगल फिर मिलता जाएगा और ज़्यादा वेरीफाई और एक्यूरेट होता जाएगा। इन दो एंगल से हम जो लीनियर डायमेंशन है वो मेजर कर सकते हैं, फिर चेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो डिफरेंस। स्टेप्स वही हैं जो T1 पे आपने थियोडोलाइट रखा था, अब आपने T1 पर भी रखा है थियोडोलाइट और T2 पर भी थियोडोलाइट रखा है, ठीक है। अब आप एक ट्रायंगल के दो एंगल मेजर कर पा रहे हो, अब एक ट्रायंगल के दो एंगल अगर आपको मेजर कर पा रहे हो तो आप उससे डायमेंशंस, लीनियर डायमेंशन निकाल सकते हो। तो जो बड़े एरिया है और रफली उनका ग्राउंड है वहां पे हम टू थियोडोलाइट यूज करते हैं, स्टेप्स वही हो जाएंगे इनके जैसे मैंने बताया है, ठीक है। बस थोड़ा सा स्टेप क्या इंक्रीज हो जाएगा कि वी पॉइंट पे थियोडोलाइट T1 से देखा जा रहा है, फिर थियोडोलाइट T2 से भी देखा जा रहा है, ठीक है। और ए पॉइंट पे जब देख रहे हैं तो इनको Δ1 निकल के आ रहा है, और यहाँ से ए पॉइंट पे जब देख रहे हैं तो यहाँ पर भी Δ1 इसको नजर आ रहा है, ठीक है। देखो वही सब सारे मेथड हैं इसमें, बस इन दिस मेथड थियोडोलाइट आर यूज्ड एट PC का मतलब है पॉइंट ऑफ कर्व, देन अदर एट P इज लेस देन T, इन दिस मेथड टेप चैन इज नॉट रिक्वायर्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेप और चैन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। VT1A is equal to Δ1 deflection angle at V2A angle subtended by the chord opposite segment, opposite angle आप मेजर कर पा रहे हो यहाँ से, ये वाले अपोजिट एंगल, ठीक है, इससे और वेरीफाई हो जाएगा और एक्यूरेसी आ जाएगी आपके एंगल्स की। तो इस तरह से हम टू थियोडोलाइट मेथड यूज करते हैं। थर्ड है टैचोमेट्री। टैचोमेट्री एक इंस्ट्रूमेंट होता है थियोडोलाइट जैसा ही, इससे जो सर्वे हम इससे क्यों कर रहे हैं सेटिंग आउट, वही मेथड है सेम, वही एंगल मेजर करने वाला मेथड, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज कर रहे हैं थियोडोलाइट की जगह पर, कि इसमें एक तो चेन बिल्कुल ही नेगलेक्ट हो जाता है। अभी टू थियोडोलाइट में हो सकता है कहीं कहीं पर चेन की जरूरत पड़े, लेकिन इसमें चेन बिल्कुल ही नेगलेक्ट हो जाता है। इसमें सारा ट्रिग्नोमेट्री लगाना होता है, इसमें एक प्रिज्म होता है जिसको लेके एक स्टूडेंट खड़ा होगा एक पॉइंट पे, इससे एंगल मेजर करेंगे, ठीक है, और एंगल मेजर करेंगे और प्रिज्म की हाइट मेजर करेंगे, और प्रिज्म कहाँ पे है, कितनी हाइट पे है। अगर आपको किसी ट्रायंगल का एक एंगल और एक हाइट पता है तो आप हॉरिजॉन्टल लेंथ निकाल सकते हो, ठीक है। स्टेप्स वही है सेटिंग आउट करने के, Δ1, Δ2 वही इक्वेशन निकल के आएगी इसमें, लेकिन प्रोसीजर क्या है वो अलग है, कि यहाँ पे T1 पे थियोडोलाइट की जगह पे हमने क्या रखा, टैचोमेट्री इंस्ट्रूमेंट रखा, उससे हमने क्या रखा, V पर हमने क्या रखा, एक प्रिज्म रखा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें एक प्रिज्म लगा होता है, ऐसे प्रिज्म को एडजस्ट कर सकते हो हाइट को। जब हमने प्रिज्म को देखा यहाँ पे और उसकी हाइट है 1 मीटर और प्रिज्म से 0 डिग्री, फिर ए पे रखा प्रिज्म को, तो यहाँ पे कितना निकल के आया हमारा 30 डिग्री। तो एक एंगल और एक हाइट आपको पता है ट्रायंगल की, तो आप हॉरिजॉन्टल हाइट निकाल सकते हो, इससे आप चेन और टेप को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा रफ है, ठीक है, मतलब इतना एक्यूरेट नहीं है ये टैचोमेट्री इंस्ट्रूमेंट कंपेयर टू द थियोडोलाइट।
और स्टेप वही है, डायग्राम आप वही देख रहे होंगे। तो ये लीनियर और एंगुलर सेटिंग आउट आपका यहाँ पे खत्म होता है, और इसके ऊपर मेरे को एक एक न्यूमेरिकल और कराना है, इसके बाद आपका सेटिंग आउट पूरा खत्म हो जाएगा कि न्यूमेरिकल किस टाइप का आता है, क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ा अलग ही टाइप का आएगा, समझ नहीं पाओगे कि किस तरह से इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा हर पॉइंट या कैसे आएगा। तो एक न्यूमेरिकल इस पर हम कर लेंगे टैचो में, एक तो लीनियर पे एक एंगुलर पे। आपका सिंपल सर्कुलर कर्व ला, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा न्यूमेरिकल के बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका कंपाउंड कर्व और उसके बाद आपका रिवर्स कर्व स्टार्ट हो जाएगा। सर एक सवाल पूछूं सर? हाँ हाँ बताओ सर, इन मेथड्स जो ये सेटिंग आउट के टाइम हमें कितने मैक्सिमम पॉइंट्स लेने होते हैं ताकि हमें कर्व की एक्यूरेट से एक्यूरेट इमेज मिले? सर दो पॉइंट से तो काम नहीं चलेगा ना, हमें पता ही नहीं चलेगा किस किस डिग्री में कर्व खींचना है, कि बस मतलब फिगर बनाने के लिए खींच दिया है। देखो अभी तो हमने, क्योंकि हमने स्टडी के पर्पज से केवल दो या तीन पॉइंट लेके देखे हैं, लेकिन डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है आपका कि कर्व की लेंथ क्या है, वहाँ पे डिग्री ऑफ कर्व क्या है, जो बेस ऑन एक्सपीरियंस जो वहाँ पर सर्वेयर है वो डिसाइड करता है कि आपको कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स लेने हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ तो उससे समझ में आ जाएगा। हम हमेशा ये समझ रहेंगे कि इस तरह से रोड है और हमें यहाँ पे कर्व बनानी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसी कंडीशन हो। कंडीशन ये भी हो सकती है कि हमारी बहुत बड़ी कर्व जो आंखों से दिखाई भी नहीं देगी, कभी कभी हाईवे वाईवे में पता भी नहीं चलता कर्व, हम मुड़ चुके होते हैं कर्व में। अब ये कर्व है, यहाँ पे कर्व देनी है हमें, ठीक है? तो एक सिंपल सा लेवलिंग से आप लेवलिंग कर लोगे जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कर्व हमें कहाँ देनी है, और डिग्री ऑफ कर्व का पता चल जाएगा आपको। कैसे पता चल जाएगा, मान लो आपको इसको थोड़ा और छोटा बना के समझा देता हूँ, इस तरह से समझ लीजिए ये एक रोड है और ये एक रोड है, और यहाँ पे आपको कर्व देखनी है, ठीक है? इस कर्व का रेडियस यहाँ पे है, ये यहाँ एक कर्व देखनी है, और हमने यहाँ पे क्या किया, फुल कोड लेके तीन की अभी हमने मेजरमेंट की है। अब हम इसकी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है कि जो हमारी स्ट्रेट लोड है कहाँ से हमारी कर्व होनी स्टार्ट हो रही है, ठीक है? वहाँ से हमने सेटिंग आउट करना स्टार्ट किया, कर दिया, वो सेटिंग आउट कहाँ पे खत्म होगा, जो हमारी नेक्स्ट रोड स्टेट हमारी स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे हमारी कोड और क्या कहते हैं लेंथ ऑफ दी कर्व सेम आनी स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पे हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है? एक एक्सपीरियंस बेस पे अंदाजे से जो सर्वेयर है वो ये तो बता सकता है कि नंबर ऑफ कोड कितने बनेंगे, पर वो भी रॉन्ग हो सकते हैं क्योंकि वो डिपेंड करता है, वो तो कर्व लेके स्टार्ट करेंगे, एक रफली आइडिया कर्व जो वहाँ पे देंगे, फिर वहाँ से आपका सब कोड बनाते बनाते पोर्टल सेटिंग आउट कर, सब तक कब तक करते रहेंगे, जब तक पूरा टर्न लेके हम स्टेट वाली रोड पे नहीं आ जाते, ठीक है? यहाँ पे हम जब आ जाएंगे, जब आप ये ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे जब हम सेटिंग आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे कर्वेचर खत्म हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन आनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि आप दूसरी रोड पे टर्न ले चुके हैं, तो कर्व हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है? तो जब तक हम उसे मार्किंग कर देते हैं कि ये तो रफली ऐसे मार्किंग भी ऐसे भी कर देता है सर्वेयर, मैंने देखा है यहाँ पे जो हाईवे बन रहा है NS24 पे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे ये रोड है यहाँ पे एक मार्किंग कर दी, और ये रोड है एक यहाँ पे मार्किंग कर दी। अब ये जो ये स्ट्रेट रोड है, ये स्ट्रेट रोड है, कर्व इन दोनों के बीच में बननी है, यहाँ से आपने ये रेडियस ऑफ दी कर्व है और यहाँ से सब कोड ले लेके आप इस तरह से चल रहे हो, जब आप इस पॉइंट पे मिल जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? बेस ऑन एक्सपीरियंस ही होता है, और कितनी एक्यूरेसी चाहिए वहाँ पे, ठीक है? क्योंकि हाईवे है, किस टाइप की रोड है, कितनी एक्यूरेसी चाहिए, कितना बड़ी कर्व है, उस बेस पे डिपेंड करते हैं कि सब कोड या फुल चेन लेंथ कितनी लेनी, 20 मीटर लेनी है, 30 मीटर लेनी है, ठीक है? कोशिश यही करते हैं जहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, वहाँ से क्या करते हैं हम कि क्या करते हैं वहाँ से फुल चेन लेके कोड चलते हैं, लेकिन मेथड डिफरेंट है, मैंने हर मेथड की अपनी एडवांटेज डिसएडवांटेज है। एक आपने मेथड देखा होगा बाइसेक्शन, कि लॉन्ग कोड खींच के फिर हम यहाँ से कोड लेना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हो सकता है कि फर्स्ट और एंड पे आपकी चेन फुल ना आए, ठीक है? तो हम ये जो नंबर ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू थीटा वन है, डिग्री ऑफ कर्व, हम कहाँ तक लेके जाएंगे, जब तक हम अपनी दूसरी रोड से कनेक्ट नहीं हो जाते, और जो एक्सपीरियंस बंदा है सर्वेयर का वो बता भी सकता है कि कितने हम लेके जाएंगे, और जरूरी नहीं है उसका एक्यूरेट भी, एक्सपीरियंस बेस पे थोड़ा सा वो अप्रोक्सीमेट उतना बता देगा, ठीक है? और अगर ये सवाल उठता है इसमें कि हमें पता होना चाहिए एग्जैक्ट
कि कितने नंबर ऑफ ये आएंगे, अगर हमें एग्जैक्ट पता होगा कि नंबर ऑफ कितने डिग्री ऑफ कर्व आएंगे, यानी कि हमें पूरी कर्व की सारी डायमेंशंस पता हैं, ठीक है, ये सारे पैरामीटर हमें पता हैं, तो उस बेस पे भी हम निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा ना, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझो कि आपने कॉपी पेन पे एक पेपर पे एक कर्व ड्रॉ कर लिया है। अब पेपर पे कर्व ड्रॉ करने के लिए आपको पहले रोड की लेंथ में सब एक स्केल पे पेपर पे बनी होनी चाहिए, वहां पे आपने एक कर्व ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। कर्व ड्रॉ कैसे करोगे, आपको क्या पता है, आपको कोड की लेंथ पता है, रेडियस ऑफ द कर्व पता है, फॉर्मूले से रेडियस ऑफ कर्व पता है, कोड की लेंथ पता है। अब कोड की लेंथ और रेडियस कर्व से जो बहुत सारे हमारे मेथड हैं सेटिंग आउट के, ऑफसेट मेथड या थ्योरीलाइट मेथड, हमें कर्व ड्रॉ करनी है, पॉइंट्स एस्टेब्लिश करने हैं बस, ठीक है। अब उसमें कितने भी पॉइंट कर सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो बहुत ज़्यादा पॉइंट ले लो, पॉइंट का मतलब स्मॉल डिस्टेंस ले लो। ऑफसेट जो पहला आपका ऑफसेट वाला जो मेथड था उसमें एक्स डिस्टेंस वेरी कर रहे थे, है ना, अगर एक्स में एक मीटर लूँ तो उस हिसाब से बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, एक्स दो मीटर लूँ तो कम आएंगे, जितना ज़्यादा एक्स की वैल्यू लूँगा उतने ज़्यादा पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। अब इसमें जो जो एंगुलर मेथड में फर्स्ट कोड जो हमने लगाई है, ठीक है, वो फर्स्ट कोड हमने कितने की लगा दी है, 30 मीटर चेन की लगाई है। आप मत लगाओ 30 मीटर चेन की, आप लगा लो 1 मीटर चेन का ऑफसेट, आप 1 मीटर चेन का फर्स्ट ऑफसेट लगा लो, ये एंगल डेल्टा वन थीटा वन आ जाएंगे, फिर सारे ऑफसेट आपके 30 मीटर के आएंगे, फिर लास्ट वाला अलग आएगा, ठीक है। तो ये एक्यूरेसी कितनी चाहिए और किस टाइप का प्रोजेक्ट, उस पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ, ये अगर एक्सपीरियंस वाले बंदे ने किस बेस पे बताएगा, वो इस बेस से बताएगा कि प्रोजेक्ट किस टाइप का है, एरिया कितना बड़ा है और हम क्या ऑफसेट ले रहे हैं। इसको नंबर को इंक्रीज भी किया जाता है, डिक्रीज भी किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि आप ये वाला मेथड देखोगे, ऑफसेट वाला मेथड देखोगे, इसमें ये जो ग्रीन वाली कर्व बता रहा हूँ ना मैं, ये ड्रॉ कर रही है आपको, और आपके पास ये बीच वाली ऑफसेट है, ये कोड है और ये पॉइंट है सेंटर वाला। अब यहाँ से हमने क्या किया था, यहाँ से एक ऑफसेट मारा था, ये इस ऑफसेट ओ एक्स की लेंथ निकाली थी, फॉर्मूला आ गया था, और ये डिस्टेंस थी एक्स, ठीक है। जो जैसे मैंने बताया था कि आप एंगुलर के हिसाब से और इसके हिसाब से देख लो कितने पॉइंट्स हमें ऑफसेट मारने हैं, ये कितने ऑफसेट मारेंगे, फॉर्मूला हमें पता है एक्स की फॉर्म में, एक्स की वैल्यू जितनी कम लोगे उतने ज़्यादा ऑफसेट लगेंगे, उतना ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर पे मैं काम कर रहा था, तो उसमें डालने को आता है नंबर ऑफ स्पैन, सर्कुलर बनाने के लिए नंबर ऑफ स्पैन, तो अगर मैं उसमें चार स्पैन डालता हूँ ना, तो क्या बनाता है, वो ये शेप बनाता है। अगर मैं नंबर ऑफ स्पैन ज़्यादा बढ़ाता हूँ तो वो इतना ऐसी शेप बना देता है, और मैं उसमें बहुत ज़्यादा मान लो 100 स्पैन डाल देता हूँ तो प्योर सर्कुलर बना देता है, और मैं 100 से ज़्यादा डालूंगा तो और ज़्यादा प्योर सर्कुलर बन जाएगी, उसको जूम करके देखूंगा तो तब भी प्योर सर्कुलर नहीं होगी। तो जितने ज़्यादा हम पॉइंट्स लेंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, डिपेंड करता है कितनी एक्यूरेसी हमें लानी है। एक्स की वैल्यू अगर 1 mm रखोगे तो पॉसिबल ही नहीं है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाए, और लेकिन उसमें एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी हो जाएगी। 1 meter लेंगे तो कम एक्यूरेसी, 10 meter लेंगे तो और कम एक्यूरेसी हो जाएगी। ऐसी एंगुलर में जो अभी मैंने मेथड बताया है उसमें जो फर्स्ट कोड लिया आपने टेंजेंट से, ये वाली और उसके बाद ले रही है फुल 30 meter, तो यही मेथड अपनाया जाता है। अगर हम 30 meter की चेन से कम लेंगे, टाइम भी ज़्यादा स्पेंड होगा, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, पर क्या उतनी एक्यूरेसी की ज़रूरत है वहाँ पे, है ना, ये इस पर भी डिपेंड करता है। उतने ही नंबर ऑफ सेगमेंट चेंज हो जाएंगे जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ाओगे आप, ठीक है। और कब तक करते जाना है आपको, कि जब तक आप उस रोड से कनेक्ट ना हो जाओ, ये है। और आपका जैसे न्यूमेरिकल आएगा ना सेटिंग आउट का, कि हमारे पास एक सर्वेयर के पास कितना डाटा है, और फिर उस डाटा को लेके वो उसकी हेल्प से फील्ड में कैसे सेटिंग आउट करेगा, और न्यूमेरिकल से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे फिर उसको हम और क्लियर कर लेंगे, ठीक है। फिर 32 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट लेट आ गया है। सर हाँ सर हाँ बताओ सर, वो प्रोफेसर 2 के रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिले सर। किस पे, ओलंपस पे सर? ओलंपस पे हाँ, वीडियो लेक्चर नहीं है यूनिट 2 के। ठीक है, भेजता हूँ मैं सर। मैसेज भी डाला था आपको? अरे डाला था, लेकिन क्या है ना, बहुत ज़्यादा काम है, बिजी होता हूँ, भूल जाता हूँ। जब मैसेज देखता हूँ तब याद रहता है, फिर घर जाकर फिर भूल जाता हूँ। ठीक है, देखो चलो कोशिश करता हूँ, आज करता हूँ। सैटरडे रहेगा तो थोड़ा फ्री टाइम रहेगा, लेक्चर नहीं होगा तो देखता हूँ उस टाइम पे,
क्योंकि पूरा पूरा एक शेड्यूल देखना पड़ता है, बहुत सारे हो जाते हैं इकट्ठे, तो टाइमिंग वाइमिंग सब देख के उस हिसाब से टाइटल वाइटल डालना होता है, टाइम लगता है। ठीक है मैं कल तक डालता हूँ, ठीक है। और ये जो लास्ट में अभी मैंने 10 मिनट पहले डाउनलोड की थी अटेंडेंस, तो 31 थे अब 32 हो गए, जो भी लेट आया भाई देख लेना, ऐसे अटेंडेंस नहीं मिलेगी। कुछ कह रहे थे बोलो सर, कल क्लास है? कल तो कोई ऐसा मेरे पास अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आ जाएगी अगर होगी तो, मुझे तो लगता नहीं होगी। ठीक है तुझे लेना है लग रहा है, हैं छुट्टी अली सर, कुछ नहीं सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका, 1:42 हो गए, ठीक है ओके सर।